किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, यानी जिन किसान भाइयों की लैंड शेडिंग नो है या फिर जिनको 27 फरवरी 2023 को पैसा नहीं मिला था, तो उन किसान भाइयों को यहाँ पे कुछ किसान भाइयों को पैसा मिलना शुरू हो गया है और धीरे धीरे सभी किसान भाइयों को पैसा यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं, इसके लिए इनका सारा कुछ सही है। और लैंड शेडिंग की बात करें तो नो है, और जबकि इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो इनको 12वीं इंस्टॉलमेंट का और 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, जबकि 11वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा इनके अकाउंट में यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनको जो किस्त का पैसा है जो रिलीज होता है वो उनको यहाँ पर उनके अकाउंट में आ चुका है। यानी बहुत से किसान भाइयों को 2-2 इंस्टॉलमेंट का भी पैसा मिल गया है, काफ़ी सारे किसान भाइयों को 3-3 इंस्टॉलमेंट का भी पैसा मिल गया हुआ है, और जो रुके हुए इंस्टॉलमेंट है, मतलब जो पैसा है और जिनको नहीं मिला है, तो उनको भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी कट मत करना। तो मेरा नाम राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम इसको बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद में हम एक स्टेट है आपको दिखाते हैं कि किसान भाइयों को यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो गया है और उनके अकाउंट में भी पैसा यहाँ पर आ गया है। तो हम पहले यहाँ से बैक आ जाएंगे, और बैक आ जाने के बाद में यहाँ पे हम सीधे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पे जाएंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर पहले वन फैचरी स्टेट है उसको चेक करेंगे, और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि बहुत से किसान भाई जो है जिनको पैसा यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है और उनके अकाउंट में भी आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपके पास मोबाइल नंबर है या फिर रजिस्टर नंबर है, जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद में यहाँ पर यू कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को फिल करके गेट डाटा के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पर सारा कुछ करके और आगे की डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो सीधे आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे मैंने इनकी डिटेल्स ब्लर कर रखी है। यहाँ पे बहुत से किसान भाइयों को यहाँ पर पैसा रिसीव हो गया है और मिलना भी शुरू हो गया है। आप जब भी आप देख सकते हैं इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब किया था और इनको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो आप यहाँ पर मैं इसको भी दिखा दिया है, बाकी सारा कुछ इनका आप यहाँ पर सही हो गया है, क्योंकि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है वो 2019 में किया है। और यहाँ पर आप PFM रिस्पॉन्स डेट भी आप देख सकते हैं कि 18/3/2023 को जो है वो सही की गई है, मतलब इनके फॉर्म को सही किया गया है। यहाँ पे सारा कुछ इनका अब सही हो गया है, इनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पर नहीं मिला था, अभी इनको यहाँ पर पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है। यानी जिन किसान भाइयों को 27 फरवरी 2023 को पैसा नहीं मिला था, तो उन किसान भाइयों को अब बहुत बड़ा अपडेट आ गया है और उनको यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो गया है। आप भी हैं तो आप भी अपना स्टेटमेंट जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब किसानों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। और 14वीं इंस्टॉलमेंट आएगी, उससे पहले जितने सारे किसान भाई हैं जिनकी डिटेल सही है उनको यहाँ पर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये राजस्थान के बंदे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, राजस्थान का बंदा है और राजस्थान के किसान भाइयों को मिलना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे यूपी के किसान भाई हैं उनको भी मिला है, काफ़ी सारे स्टेटों में जो है वो किसानों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो आप अपनी डिटेल्स जाकर चेक जरूर कर लें, जिससे आपको भी यहाँ पर पैसा मिला होगा। ठीक है, जो किसान भाई छूट गए थे जिनको नहीं मिल रहा था, आपको मैंने जैसे पहले ही बताया था कि PM रिस्पॉन्स डेट है, ये भी आप देख सकते हैं चेंज है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर सबमिट कर दिए गए थे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा था जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसी के हिसाब से इनका सारा कुछ अब सही हो गया और इनको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलना शुरू हो गया है। आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ में भी दिखाऊंगा नीचे के, अगर आप थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इनको यहां पर जो है इंस्टॉलमेंट का पैसा भी इनके अकाउंट में कब कब आया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 दिन लेट भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी आ सकता है, और जो किसान भाई रह गए थे जिनको नहीं मिला था पैसा, तो उनको भी यहां पर पैसा मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं इनको एक साथ 5 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है। ठीक है, क्योंकि इनकी रुकी हुई इंस्टॉलमेंट थी, तो उसी हिसाब से इनको यहां पर पैसा मिला हुआ है। आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट रुका हुआ है और जो नहीं मिला है पैसा, तो भैया वो आपको भी यहां पर मिलने वाला है। तो आप यहां पर सारा कुछ देख सकते हैं, यहां पे मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ में सब कुछ दिखा दिया है, यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अपना स्टेटमेंट जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। अगर आपके स्टेटमेंट में इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है और नहीं आ रहा है, यानी लैंड शेडिंग अभी नो है और यस नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है 1-2 दिन, उसके बाद में आपको स्टेटमेंट फिर चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद आपकी डिटेल्स अगर सारा कुछ सही होगी तो आपके अकाउंट में भी यहाँ पर पैसा आ गया होगा। तो किसान भाइयों बहुत बड़ा अपडेट था, यहाँ पे मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, और अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है या फिर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके यहाँ पर हेल्प करूँ। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।